हेलो स्टूडेंट, क्लास 7। आज हम लोग पढ़ते हैं साइंस, वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। ये आप लोग का लेसन 7 है, क्लास 7 लेसन 7। ओके, अब देखिए इसमें हम लोग जितना भी आपका मेन पॉइंट है उसको हम लोग एडिट करके एक वीडियो तैयार किए हैं आप लोगों के लिए, जो जो मेन चीज़ इसमें आपको पढ़ना है। ठीक है, इसको आप नोट्स के तौर पर भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले हम लोग देखते हैं वेदर। द वेदर ऑफ ए प्लेस कैन बी डिफाइंड एज द मेजर ऑफ इट्स डेली एटमोस्फेरिक कंडीशंस सच एज ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, लाइटनिंग इवेंट्स, रेनफॉल, स्टॉर्म्स, स्नो एंड सो ऑन। तो ये सब क्या है आपका, इसका फैक्टर है जो कि वेदर को प्रभावित करता है। नहीं, अब देखिए कहता है कि खासकर मेन एलिमेंट जो है वो वेदर का, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ वेदर का है वो क्या क्या है, रेनफॉल है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, स्नोफॉल है, स्टॉर्म है, विंड्स हैं, ये सब हैं। अब देखिए कहने का मतलब है, यहाँ पर देखिए एक फिगर दिया हुआ है, इसमें सन है, देख रहे हैं ये, और ये क्या है आपका, देखिए मैप है ना, ग्लोब है। तो इस ग्लोब के आधार पर आपको हम दिखला रहे हैं कि ये ग्लोब जो है, ये देख रहे हैं ना, अपने एक्सिस पर ये घूम रहा है। ठीक है, तो कहता है क्या कि हम जानते हैं कि ये पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर, सन के चारों ओर में राउंड लगाता है, और उसी के आधार पर क्या होता है कि कहीं का भी जो है मौसम बदलता है। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए जाए कि यहाँ हम लेते हैं स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। यहाँ पर देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, स्प्रिंग सीजन है, नहीं, और ऑटम इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, ऑटम है। फिर यहाँ देखिए विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। फिर यहाँ देखिए ऑटम इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और स्प्रिंग इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। यहाँ देखिए समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इस तरह से क्या होता है कि इसमें हमेशा बदलाव आता है, क्योंकि तो सूर्य का रेज जो है वो पूरे वर्ल्ड का जो को अगर हम देखें तो पूरे विश्व पर एक साथ एक जैसा नहीं पड़ सकता है। पार्सली, आधी पर पड़ेगा एक बार में और एक बार में आधी पर नहीं पड़ेगा। दूसरी बात है कि डिस्टेंस के आधार पर भी क्या होता है, टेम्परेचर में प्रभाव पड़ता है। जबकि हम जानते हैं कि सूर्य की परिक्रमा करते करते जब पृथ्वी जो है वो सूर्य के करीब आती है उस समय क्या होता है, हॉट वेदर होता है, हॉट मौसम, गर्मी का मौसम आता है, और जब वही फिर चल जाता है दूर तो वहाँ पर क्या होता है, ठंडे का मौसम हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं क्या होता है कि ये अपना मौसम परिवर्तन होता है। अब आगे देखिए कहता है ए वेदर रिपोर्ट जनरली कॉन्टेंस द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेदर ऑफ द डे। तो वेदर रिपोर्ट क्या करता है कि इन्फॉर्मेशन देता है वेदर के बारे में। ये तो दिन बाय दिन भी देता है या फिर घंटे घंटे आधार पर भी देता है। द वेदर रिपोर्ट इज जनरली पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविजन। द वेदर फॉरकास्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर पीपल। वेदर फॉरकास्ट जो है वो हम लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, नहीं, क्यों, बिकॉज मेनी ऑफ आवर डे टू डे एक्टिविटीज आर बेस्ड ऑन वेदर कंडीशन। डे टू डे एक्टिविटीज जो हैं वो किस पे बेस्ड है, वेदर कंडीशन पर बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ रेनफॉल ऑन ए पर्टिकुलर डे एंड कैरी एन अम्ब्रेला विद अस अकॉर्डिंगली। द वेदर ऑफ ए प्लेस इज नेवर कॉन्स्टेंट। कभी भी वेदर किसी भी प्लेस का वेदर जो है हमेशा कॉन्स्टेंट नहीं रहता है। इट कैन अल्टर एवरी डे और इवन एवरी आवर। ये एवरी डे प्रत्येक दिन तो चेंज होता ही है, लेकिन ये एवरी आवर भी इसमें परिवर्तन होता है। द वेदर रिपोर्ट ऑफ ए प्लेस ऑलवेज इंक्लूड्स द मैक्सिमम एंड द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे विच आर मेजर्ड यूजिंग ए मिनिमम मैक्सिमम थर्मोमीटर। तो कहता है कि वेदर रिपोर्ट में भी देखते हैं हम लोग क्या होता है, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर शो करता है। तो ये मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर है क्या,
तो कहता है इस थर्मामीटर से क्या किया जाता है कि मॉर्निंग आवर में रिपोर्ट लिया जाता है कि मॉर्निंग का टेम्परेचर क्या है, और फिर शाम का नहीं बल्कि आफ्टरनून का, दोपहर का टेम्परेचर लिया जाता है, और तब शो होता है कि इस पार्टिकुलर रीजन का जो है वो मिनिमम टेम्परेचर इतना है और मैक्सिमम इतना है। द मिनिमम टेम्परेचर कैन बी एक्सपीरियंस्ड इन द मॉर्निंग टाइम व्हाइल द मैक्सिमम टेम्परेचर इज एक्सपीरियंस्ड इन द आफ्टरनून। टू मेजर द रेनफॉल ऑफ ए प्लेस एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गेज इज यूज्ड। तो फिर दूसरी बात अब आ जाती है रेनफॉल, तो रेनफॉल का जो है कितना वर्षा हुआ या कितनी क्या उसके मात्रा को नापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उसको क्या कहता है, रेन गेज कहा जाता है। द रेन गेज कलेक्ट द रेन वाटर, तो रेन गेज क्या करता है, रेन वाटर को कलेक्ट करता है ऑफ ओरिजिन एंड हैज ए मेजरिंग स्केल, और उसमें एक मेजरिंग स्केल होता है विच डिटरमाइंस द क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल ऑफ द प्लेस, वो दर्शाता है कि कितनी क्वांटिटी में कितनी वर्षा उस स्थान पर हुई। आपको देखिए ये है रेन गेज का फिगर, देख रहे हैं ना, और यहाँ पर आपका देखिए ये स्केल दिया हुआ है, ये स्केल ही मेजर करता है किसी भी प्लेस का रेनफॉल, क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल ऑफ द प्लेस। क्लाइमेट, द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस कैन बी डिफाइंड एज द प्रिवेलिंग वेदर कंडीशंस ऑफ द प्लेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो क्लाइमेट जो है क्या बतलाता है कि कोई भी स्थान का लंबे समय तक का जो मौसम का पीरियड होता है, लॉन्ग टाइम होता है, उसे क्लाइमेट हम लोग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ कि द टेम्परेचर ऑफ राजस्थान, राजस्थान का टेम्परेचर इज जनरली हाई थ्रू आउट द ईयर एंड इट डज नॉट रिसीव मच रेनफॉल, सो वी कैन से दैट राजस्थान इज ए हॉट एंड ड्राई प्लेस। टेम्परेचर जो राजस्थान का है वो क्या होता है, जनरली हम लोग क्या देखते हैं, हॉट होता है थ्रू आउट द ईयर, और इट डज नॉट रिसीव मच रेनफॉल, वहाँ अधिक वर्षा भी नहीं होती है, सो वी कैन से दैट, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजस्थान इज ए हॉट एंड ड्राई प्लेस, राजस्थान जो है वो गर्म और सूखा स्थान है। देखिए ये आपको दिखाया गया है, ठीक है, सब पूरे इस ग्लोब में आप देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा, कलर बाय कलर दिया हुआ है। यहाँ देखिए सबसे पहले हम देखिए ये ए जो देख रहे हैं आप, ये क्या है, ट्रॉपिकल, ये जो देख रहे हैं हल्का सा क्या है, ऑरेंज कलर का है, ये देखिए मिडल में है ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है, हॉट रीजन है, ये गर्म क्षेत्र है ये, ठीक है, इक्वेटर है, यहाँ से यहाँ देख रहे हैं ये है इसका इक्वेटर, और इस ये इलाका में क्या होता है, काफ़ी गर्मी पड़ती है, काफ़ी हॉट रीजन होता है ये। उसके बाद देखिए हल्का सा हम लोग देते हैं येलोइश कलर, ड्राई रीजन है ये, क्या है ये, ड्राई रीजन है। उसके बाद थोड़ा सा जाइए ग्रीन, ये देखिए ग्रीन कलर देख रहे हैं ना, ये क्या है, टेम्परेट जोन है, क्या है ये, टेम्परेट जोन है। और उसके बाद देखिए कॉन्टिनेंटल जोन है ये, जो हम लोग देख रहे हैं ब्लू कलर का नहीं, और ई जो हो गया यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं एकदम हल्का सा जो है आपका आसमानी कलर का है, तो ये है पोलर रीजन, ठीक है। तो यहाँ ये क्या हुआ, एकदम कोल्ड रीजन हुआ, और धीरे धीरे बढ़ते या कोल्ड से हमने ये हुआ काफ़ी हॉट रीजन, और ये लेस होते 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 अंत में यहाँ पर कोल्ड रीजन में ये पहुँच गया। अब हम पोलर रीजन के बारे में पढ़ते हैं पहले। तो होता है द एरिया ऑफ द अर्थ दैट सराउंड्स द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल इज कॉल्ड द पोलर रीजन। तो होता है एरिया ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का वह क्षेत्र जो क्या है कि नॉर्दर्न पोल और साउथ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोलर रीजन कहते हैं, नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को। तो द क्लाइमेट ऑफ द पोलर रीजन इज एक्सट्रीमली कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि तो पोलर रीजन का जो क्लाइमेट होता है वो एक्सट्रीमली कोल्ड होता है, पूरा ठंडा होता है थ्रू आउट द ईयर एंड रिसीव हैवी स्नो, और वहाँ पर क्या होता है, काफ़ी बर्फ गिरता है, काफ़ी बर्फ ही बर्फ वहाँ पर है। नहीं ये देखिए आपको ये दिखाया गया है, ये आपका यहाँ पर क्या दिखाया गया है, पोलर रीजन का फिगर है ये, नहीं अलास्का है, कनाडा है, ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, नहीं फिनलैंड है, तो ये सब इलाका जो है वो क्या है, यहाँ पर ये एकदम एक्सट्रीमली कोल्ड थ्रू आउट द ईयर, सालों भर यहाँ पर मौसम कैसा रहता है, काफ़ी ठंड रहता है, ठीक है। तो द सन डज नॉट राइज फॉर 6 मंथ, 6 महीने तक वहाँ सूर्य निकलता ही नहीं है ऑफ द ईयर इन द पोलर रीजन एंड देन इट स्टे अप
फॉर द सिक्स मंथ्स। और कहता है क्या है कि पोलर रीजन में और देन इट स्टे, और अगर निकलता है तो वो लगभग 6 महीने तक रहता है। द टेम्परेचर इन द पोलर रीजन कैन बी एज लो एज -30°C। तो पोलर रीजन का टेम्परेचर जो होता है वो माइनस में होता है, वो 1-2 नहीं 37°। मोस्ट कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दिस रीजन आर पोलर बियर्स। और सबसे कॉमन जो पाया जाता है पोलर रीजन में वो क्या खासकर है, पोलर बियर है एंड पेंगुइन। ये दोनों जो है वो बहुतायत में पाया जाता है खासकर पोलर रीजन में। अदर एनिमल्स दैट कैन बी फाउंड इन पोलर एरियाज आर फिशेस, बर्ड्स, ऑक्सीजन मस्क नहीं रेंडियर्स, फॉक्स, व्हेल्स एंड सील्स। ये सब ऐसे और हैं एनिमल जो कि उस क्षेत्र में पाए जाते हैं। दे हैव एडप्टेड देमसेल्व्स, ये क्या करते हैं इन्होंने इसकी शरीर में एडप्टेटेड हैं, ये अनुकूलित हैं ये, सो दे कैन सर्वाइव इजीली इन दिस प्लेस, इसीलिए इन स्थानों में ये आसानी से जीवित रह सकते हैं। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं वन बाय वन पोलर रीजन में जो खासकर है पोलर बियर के बारे में, ठीक है। अब देखिए द व्हाइट फर ऑफ द पोलर बियर मेक्स इट इजियर फॉर देम टू हाइड इन द स्नो एंड देयर फॉर सेव देम फॉर प्रीडेटर्स। तो क्या करता है कि इसका जो फर होता है वो व्हाइट होता है नहीं, और यही व्हाइट क्या करता है, इतना व्हाइट होता है जस्ट लाइक ए स्नो, स्नो की तरह, इसीलिए उसमें पहचानना दूर से मुश्किल हो जाता है कि बर्फ है कि पोलर बियर है। और इसीलिए क्या होता है कि उसकी रक्षा हो जाता है, इसलिए वो बच जाता है प्रीडेटर से, वो आसानी से बच जाता है नहीं, शिकारी उसको देख ही नहीं पाता है नहीं। द पोलर बियर हैव टू लेयर्स ऑफ थिक फर, उसके शरीर में दो लेयर फर का क्या होता है, दो लेयर होता है जो काफ़ी गर्मी प्रदान करता है ऑन देम, सो दैट दे कैन सर्वाइव एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन, इसलिए एकदम एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन में भी वो इजी वे में सर्वाइव कर जाता है। द पोलर बियर मूव स्लोली, और वो बहुत धीरे धीरे मूव करता है एंड रेस्ट ए लॉट, थोड़ा चला और बहुत देर तक फिर आराम किया और फिर चला फिर आराम किया, इस प्रकार क्या होता है सो दैट दे डू नॉट गेट ओवर हीटेड, इसलिए वो अधिक गर्मी उसको महसूस नहीं होता है बिकॉज ऑफ दिस थिक फर, क्योंकि तो उसका शरीर क्या होता है काफ़ी फर रहता है, अधिक दौड़ेगा तो अधिक गर्मी महसूस भी होगा उसको नहीं, लेकिन नहीं तो इसीलिए क्या करता है थोड़ा चलता है ये फिर आराम करता है, इसलिए ओवर हीटेड भी नहीं होता है। द पोलर बियर ऑफन स्विम ऑन वार्म डे, गर्मी के दिनों में क्या करता है वो स्विम करता है, पानी में तैरता है टू कीप देम सेल्फ कूल, ताकि वो अपने आप को ठंडा रख सके। द पावर्स ऑफ पोलर बियर आर लार्ज एंड वाइड सो दैट इट कैन स्विम एज वेल एज easily in the snow। पॉज जो होता है वो क्या होता है लार्ज होता है, बड़ा होता है और वाइड होता है, चौड़ा होता है, जो कि ईजी वे में क्या होता है कि स्नो में चलते समय क्या होता है धसता नहीं है, ईजी वे में वो स्नो में चल लेता है। और द पोलर बियर कैन स्विम अंडर वाटर, मतलब वो पानी के अंदर भी स्विम करता है एज वेल बिकॉज इट कैन कीप इट्स नोस्टिल क्लोज फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि यह बिना अपने नोस्टिल को बंद कर काफ़ी समय तक रह सकता है, इसलिए वो पानी के अंदर भी आसानी से स्विम कर लेता है। द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल ऑफ पोलर बियर मेक इट पॉसिबल टू लोकेट इट्स प्रे ड्यूरिंग सच हार्श वेदर्स, तो कहता है कि अगर हार्श वेदर भी है तो उसमें भी क्या करता है वो उसका इतना कि स्मेलिंग पावर है कि वो इजी वे से क्या करता है अपने प्रे को ढूंढ लेता है, कहाँ उसका भोजन है वो आसानी से उसको खोज लेता है। देखिए अब सेकेंड पढ़ते हैं हम लोग पोलर बियर के बाद पेंगुइन के बारे में नहीं, ये भी क्या है बहुतायम पाया है वो किसमें पोलर रीजन में। द पेंगुइन आर आल्सो व्हाइट इन कलर, ये भी व्हाइट कलर होता है सो दैट दे कैन हाइड इन द स्नो, इसलिए वो आसानी से स्नो में छुप जाता है। दे हैव थिक स्किन, उसका स्किन जो होता है वो काफ़ी थिक होता है विथ लार्ज फैट कॉन्टेंट इन देयर बॉडी, और उसके शरीर के अंदर काफ़ी मात्रा में फैट जमा रहता है सो दैट दे कैन सर्वाइव द कोल्ड वेदर इजीली, इसीलिए अधिक फैट के कारण ही कोल्ड रीजन में ये इजी वे में सर्वाइव कर सकता है। द पेंगुइन जनरली लिव इन ए क्राउड, वो क्राउड में रहता है और नेस्ट क्लोजली सो दैट दे कैन स्टे वार्म,
कहता है कि वो तो एक तो पहले वो क्लोजली रहता है, आपस में रहता है, एकदम नज़दीक नज़दीक में क्राउड में रहता है, और जहाँ पर उसका घर रहता है उसके करीब रहता है वो, ताकि उसको गर्मी महसूस होता रहे। अब इधर पेंगुइन्स हैव वेब्ड फीट, उसका पेट की पर क्या होता है, वेब्ड होता है, जालीनुमा होता है, विच अलाउ देम टू स्विम, जो उसको क्या करता है, तैरने में मदद करता है। आगे देखिए, हम लोग देखते हैं सील्स के बारे में, फोर एंड हाइंड लिम्स, उसका फोर लिम्स और हाइंड लिम्स जो होता है वो डेवलप्ड इंटू फ्लिपर्स फॉर स्विमिंग। उसका जो फोर लिम और हाइंड लिम जो वो डेवलप किसमें किया जाता है, फ्लिपर्स में, फ्लिपर्स में उसको छोटा सा डैना के तौर पर उसका निर्माण हो जाता है जो उसको तैरने में मदद करता है। फ्लिपर्स स्मूथ स्ट्रीमलाइन शेप टू पास इजीली थ्रू द वाटर, उसका शरीर जो होता है वो स्ट्रीमलाइन शेप्ड होता है, इसलिए वो ईजी वे में क्या होता है, पानी में तैर लेता है। और ये सब्सटेंशियल ब्लबर लेयर लाइज अंडर द स्किन एक्टिंग एज इंसुलेशन सो अलाउइंग द सील टू स्विम इंडिफिनिटली इन फ्रीज अंटार्कटिक वाटर डाउन टू -2°C। तो कहता है कि इसके शरीर के अंदर जो लेयर जो होता है उसमें क्या होता है, सब्सटेंशियल ब्लबर होता है जो क्या करता है, इंसुलेशन का काम करता है, गर्मी हीट और कोल्ड के बीच का जो कनेक्शन को उसको जुड़ने नहीं देता है वो, हाँ वो इंसुलेशन का काम करता है। सो अलाउ द सील टू स्विम इंडिफिनेटली इन फ्रीज्ड अंटार्कटिक वाटर, नहीं तो कहता है कि एकदम ठंडा, समझ लीजिए कि ऐसा जगह जहाँ पानी जम जाता है, और उस जमे हुए पानी में भी वो क्या करता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं पानी क्या ऊपर जम गया, नीचे क्या हुआ, पानी देखिए पानी है लेकिन ऊपर में वो जम जाता है, उस तरह के पानी में भी वो इजीली स्विम कर लेता है और उसको ठंड नहीं लगता है उसको, क्योंकि तो उसका बॉडी इस तरह से मॉडिफाइड हुआ है, इस तरह से उसका एडेप्टेड है बॉडी इसका। अब आगे देखिए, बताए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, ये तो हम लोग पोलर रीजन के बारे में पढ़ लिए, अब नेक्स्ट है आपको जो पढ़ना है वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो कहता है द ट्रॉपिकल रीजन ऑन द अर्थ आर द रीजन्स व्हिच आर क्लोज टू द इक्वेटर, तो ट्रॉपिकल रीजन जो हुआ जो आपको अभी हम ग्लोब में दिखलाए तो वो क्या हुआ, जो इक्वेटर के पास था वो क्या हो गया आपका, वही ट्रॉपिकल रीजन हुआ, ठीक है। तो द ट्रॉपिकल रीजन ऑन द अर्थ आर द रीजन व्हिच आर क्लोज टू द इक्वेटर, ठीक इक्वेटर के क्लोज होता है, एंड हेंस रिसीव मोर अमाउंट ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग द ईयर, इसलिए पर्याप्त मात्रा में सनलाइट उसको सालों भर प्राप्त होते रहता है। बिकॉज ऑफ दिस दीज एरियाज हैव ए हॉट क्लाइमेट, यही कारण होता है कि इस एरिया में क्या होता है, क्लाइमेट यहाँ का काफ़ी गर्म होता है। द टेम्परेचर इन ट्रॉपिकल रीजन्स कैन बी एज हाई एज 40°C, यहाँ का जो हाई टेम्परेचर हुआ 40°C है, एंड कैन ड्रॉप अनटिल 50°C ओनली, और वो ड्रॉप 50°C तक ही वो ड्रॉप कर सकता है, होता है सिर्फ। और द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल इन दीज रीजन्स, और इन क्षेत्रों में जो डे और नाइट जो होता है लगभग बराबर होता है। हाउएवर देयर इज ए लॉट ऑफ रेनफॉल एंड सो द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन दिस रीजन, और इस रीजन में क्या होता है, रेन फॉरेस्ट इसलिए पाया जाता है क्योंकि तो वहाँ पर काफ़ी मात्रा में वर्षा होती है, बहुत अधिक वर्षा होती है, इसीलिए इस क्षेत्रों में क्या होता है कि रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर होम ऑफ ए वाइड वेराइटी ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल्स, तो बोलता है बहुत तरह के बहुत विभिन्न प्रकार के यहाँ पर वेजिटेशन भी पाए जाते हैं और एनिमल्स भी उसमें पाए जाते हैं, क्योंकि तो वो जो रेन फॉरेस्ट है वो काफ़ी थिक होता है और इसीलिए वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे भी अलग अलग तरह के पाए जाते हैं और जानवर भी पाए जाते हैं। ड्यू टू लार्ज हैबिटेशन, अधिक लार्ज हैबिटेशन होने के कारण द एनिमल्स ऑफन कम्पीट फॉर फूड इन दिस रीजन, तो लार्ज हैबिटेशन होने के कारण क्या होता है, कम्पीट होता है फूड के लिए इस रीजन में, समझे ना, एक एनिमल दूसरे एनिमल के लिए क्या करता है, भोजन के लिए उसमें कंपटीशन हो जाता है, इसलिए वो कंपीट करते हैं, संघर्ष करते हैं भोजन के लिए। मेनी एनिमल्स हैव एडेप्टेड देमसेल्फ, बहुत एनिमल्स जो हैं वो अपने आप को वो क्या करते हैं, अनुकूलित कर लिए हैं, सो दैट दे कैन लिव ऑन द ट्रीज, वो वृक्ष पर ही रहते हैं, एंड फाइंड देयर फूड इजीली, और इजी वे में वृक्ष के ऊपर वो फल खा लेते हैं। द स्किन कलर ऑफ दीज एनिमल्स, इन जानवरों का जो स्किन कलर होता है इज जनरली सिमिलर टू दैट ऑफ द सराउंडिंग, और जिस प्रकार की उसके सराउंडिंग का कलर है उसी प्रकार का उसका बॉडी का कलर भी होता है, सो दैट दे कैन कैच देयर प्रे इजिली, इसलिए वो अपने
को अपना खाना जो है वो अपने प्रे को जो है वो आसानी से पकड़ लेता है एंड प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम द प्रीडेटर। और अपने आप को तो खाना तो मिल ही जाता है, लेकिन वो अपना फिर बच भी लेता है, शिकारी से वो फिर बच भी जाता है। ऑल्सो मैनी ऑफ दीज एनिमल्स हैव ए गुड आई साइट। और इन सभी जानवरों का क्या होता है, आई साइट जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है एंड बेटर सेंस ऑफ हियरिंग, और सुनने की क्षमता भी होती है काफ़ी मजबूत होती है, मतलब हल्का सा भी आवाज़ को जो लोग इजी से सुन लेता है। अब देखिए हम लोग एलिफेंट के बारे में देखते हैं। एडेप्टिव फीचर्स एडेप्टेड बाई एलिफेंट्स फॉर लिविंग इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर। तो उस रेन फॉरेस्ट में जो एलिफेंट पाए जाते हैं उसके लिए क्या एडेप्टिव है, किस आधार पर वो वहाँ रह सकता है। तो दे हैव ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल का उसको बहुत तरह सेंस पाया जाता है एंड यूजेज इट्स ट्रंक फॉर स्मेल एंड टू होल्ड फूड। और यह अपना ट्रंक का जो यूज़ करता है स्मेल के लिए भी करता है और फूड को पकड़ने के लिए भी करता है। दे ऑल्सो यूज देयर ट्रंक टू होल्ड फूड, और अपने ट्रंक का यूज़ करता है किस लिए, भोजन को पकड़ने के लिए। दे हैव लॉन्ग ईयर्स, उसके कान भी क्या होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं। विच हेल्प देम इन कीपिंग कूल, जो उसको कूल रहने में मदद करता है इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में भी क्या करता है, उसका कान जो है उसको बहुत मदद पहुँचाता है। लॉन्ग ईयर हेल्प देम इन हियरिंग वेरी सॉफ्ट, नहीं और इसका जो लॉन्ग ईयर होता है वो बहुत आसानी से धीमे आवाज को भी सुन लेता है। अब देखिए नेक्स्ट एनिमल है आपका टुकैन। तो टुकैन का हम लोग क्या देखते हैं, तो द टुकैन हैज़ ए डेवलप ए वेरी लार्ज बीक। टुकैन का जो होता है एक बहुत लंबा बीक होता है, चोंच बहुत लंबा होता है। विच अलाउज इट टू रीच फ्रूट ऑन लाइटर ब्रांचेस, जो क्या करता है कि एकदम हल्के से बहुत ही नाजुक ब्रांच जो होता है उसमें अगर फल है तो उसके फल को वो इजी से दूर से ही तोड़ लेता है। एडजस्टिंग द फ्लो ऑफ ब्लड टू देयर बीक, दे टुक देयर बीक अंडर देयर विंग्स व्हेन दे स्लीप टू कीप वार्म। तो कहता है कि अपने विंग्स में क्या करता है, वो अपने बीक को क्या करता है, छुपा लेता है, उससे उसको गर्माहट महसूस होता है। दे हैव एडेप्टेड टू लिव इन द केनोपी एज दे डू नॉट फ्लाई वेरी वेल। बोलता है कि वो रहना पसंद करता है कहाँ पर, एडेप्टेड रहता है किसके लिए, केनोपी में रहने के लिए। दे हैव एडेप्टेड टू लिव इन केनोपी एज दे डोंट फ्लाई वेरी वेल, क्योंकि तो वो अच्छी तरह से नहीं उड़ पाता है। तो कहता है केनोपी क्या होता है कि एक प्रकार का ये लोग अब घर बनाता है, जो क्या होता है कि समझिए पेड़ पौधे के और पत्तों के सहारे से वहाँ पर जो थिक पत्ते रहते हैं उसी के अंदर में ये अपना घर बना लेते हैं, उसी को हम लोग केनोपी कहते हैं। ठीक है, अब मैकॉक्स। तो मैकॉक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, देखिए द मैकॉक्स आर वेल एडेप्टेड टू देयर एनवायरमेंट। नहीं, मेकॉक्स जो होते हैं वो वेल एडेप्टेड होते हैं अपने इन्वायरमेंट में। देयर सिल्वर मीन्स हेल्प कीप ऑफ द रेन ड्यूरिंग मानसून एंड देयर चिक पॉचेस अलाउ देम टू कलेक्ट ए लॉट ऑफ फूड क्विकली। तो इसका जो मुंह होता है वो क्या होता है, चिक पॉच, उसमें पॉचेस होते हैं, समझे कि नहीं, जो क्या करता है अलाउ करता है देम टू कलेक्ट ए लॉट ऑफ फूड, काफ़ी मात्रा में उसमें भोजन जमा हो जाता है एंड अवॉइड प्रीडेटर्स, और उससे क्या होता है प्रीडेटर्स को अवॉइड भी कर लेता है, उससे भी बच भी जाता है। हाउ डू कैमल एडॉप्ट टू देयर एनवायरनमेंट। अब कैमल के बारे में भी आप लोग की किताबें दिया हुआ है, तो कैमल किस प्रकार अपने आप को एडॉप्ट किया हुआ है वो देखना है, उसको डिटेल से पढ़ना है। इसमें आपके बुक पे भी देखिए डिटेल से दिया हुआ है एकदम लास्ट में। कैमल हैव मेनी एडेप्टेशंस, कैमल में क्या होते हैं बहुत सारे एडेप्टेशंस होते हैं दैट अलाउ देम टू लिव सक्सेसफुल्ली इन डेजर्ट कंडीशंस, ताकि वो क्या कहते हैं आसानी से वो डेजर्ट कंडीशन में वो आराम से रह सकता है। डेजर्ट्स आर हॉट एंड ड्राई, डेजर्ट जो होता है वो क्या होता है गर्म और सूखा होता है। विंड्स ब्लो सेंड ऑल अराउंड, और हर तरफ क्या होता है हवा के साथ में सिर्फ सेंड ही उड़ता है। सो ए कैमल हैड लॉन्ग आईलेसिस, और उसका जो आईलेसेस होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग होते हैं। इट हैज नॉस्ट्रिल दैट कैन ओपन एंड क्लोज, और उसका नॉस्ट्रिल भी क्या होता है ओपन और क्लोज होता है। द लॉन्ग
आई लेसेस कीप सेंट आउट ऑफ द कैमल आइज. तो आई लेसेस जो होते हैं वो बड़े होते लॉन्ग होते हैं, इसीलिए क्या होता है कि वो इजी वे से उसकी आँख में जो है सेंट नहीं जा पाता है. और दूसरी बात क्या है कि थिक आईब्रोज, उसके आईब्रोज भी काफ़ी थिक होते हैं, सील्ड द आइज फ्रॉम द डेजर्ट सन. और वो क्या करता है, डेजर्ट सन से क्या करता है, उसके आई को बचाता है. ए कैमल नॉस्ट्रिल कैन क्लोज सो इट डज नॉट गेट सेंट अप टू इट नोज. और वह अपने नॉस्ट्रिल को बंद कर सकता है, इसीलिए क्या करता है, ये जो सेंट जो है उसके नाक में प्रवेश नहीं कर पाता है. अब है अदर एडेप्टेशन, इसमें क्या क्या है, देखिए बहुत सारे एडेप्टेशन पाए जाते हैं कैमल में. ए कैमल कैन गो ए वीक और मोर विदाउट वाटर. तो एक कैमल कैन गो ए वीक, एक सप्ताह तक या उससे अधिक दिनों तक वो बिना पानी का खाए पिए रह सकता है. एंड दे कैन लास्ट फॉर सेवरल मंथ विदाउट फूड. पानी के लिए तो वो एक दो सप्ताह रह सकता है, लेकिन भोजन के लिए तो वो महीनों तक भूखे रह सकता है. दे कैन ड्रिंक अप टू 32 gallons. 32 gallons वाटर जो है वो एक बार में पी लेता है, 46 liter पानी. कैमल स्टोर फैट इन द हम्प, उसका हम्प जो होता है, कुबड़ जो होता है, उस कुबड़ में उसका स्टोर्ड फूड होता है. हाँ, उसमें पानी नहीं बल्कि फैट रहता है, जो उसका भोजन है. द फैट कैन बी मेटाबोलाइज फॉर एनर्जी, और वही फैट जो है वो मेटाबोलाइज होकर के उसको एनर्जी प्रदान करता है. अनलाइक मोस्ट मेमल्स ए हेल्दी कैमल्स बॉडी टेम्परेचर फ्लैक्चुएट थ्रू आउट द डे. तो कहता है कि अनलाइक मोस्ट मेमल्स, मतलब कि मेमल्स में ऐसा एक्चुअली होता नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसका बॉडी टेम्परेचर जो होता है फ्लैक्चुएट करते रहता है, मतलब बदलती रहता है. दिस अलाउज टू कैमल टू कंजर्व वाटर बाय नॉट स्वेट एज द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर राइजेज. तो अगर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर अगर बढ़ता है फिर भी क्या करता है, इसकी वजह से जो है स्वेट, पसीना जो है बाहर नहीं निकलता है, क्योंकि तो इसका बॉडी टेम्परेचर फ्लैक्चुएट होते रहता है, बदलती रहता है. कैमल्स फिट आर वाइड, उसका पैर जो कैमल का होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है, सो दे कैन वॉक ऑन सेंड मोर इजीली, इसीलिए वो सेंड में आसानी से चल सकता है. देयर ह्यूज फिट हेल्प देम टू वॉक ऑन सेंड विदाउट सिंकिंग इन टू इट, ताकि वो बिना धसे उसका पैर जो है वो इजी वे में वो सेंड पर चल सकता है. कैमल्स हैव थिक लिप्स, इसका लिप्स जो होता है वो काफ़ी मोटा होता है, सो दे कैन ईट द प्रिकली डेजर्ट, इसलिए कटीले डेजर्ट को भी, डेजर्ट में जो कटीले प्लांट होते हैं उसे भी खा जाते हैं, विदाउट फीलिंग पेन, बिना दर्द महसूस किए हुए वो उस कांटे को भी इजी वे से कटीले पदार्थ को, कटीले प्लांट को भी खा लेता है. द कलर ऑफ देयर बॉडीज, उसके शरीर का जो बॉडी का जो कलर होता है, हेल्प देम टू ब्लेंड इन टू देयर इन्वायरमेंट, वो क्या कहता है, इन्वायरमेंट को ब्लेंड करने में उसको मदद मिलता है. कैमल्स ईयर आर कवर्ड विथ हेयर, उसका ईयर जो है वो कवर्ड रहता है हेयर से, इवन ऑन द साइट. द हेयर हेल्प्स कीप आउट सेंड और डस्ट दैट माइट ब्लो इनटू द एनिमल्स ईयर, मतलब उसका इतने हेयर इतने बड़े बड़े होते हैं कि डस्ट जो है वो उसके शरीर में, उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है. तो इस प्रकार जितने भी आपके टॉपिक थे इस लेसन में उसको पूरा हम कर दिए हैं, और ये पॉइंट वाइज इसको हम डील किए हैं, इसीलिए कि इसको आप लोग नोट्स के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको डिटेल से अगर आप पढ़ते हैं आप तो जानते हैं कि 8th class में बोर्ड होता है, तो 8th में जब बोर्ड होता है तो सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि तो इतना डिटेल से आप रीडिंग की वन बाय वन पढ़िए, पूरे लेसन के जो भी इसमें मेन पॉइंट हैं सबों को इसमें हम डील किए हुए हैं. ओके.